नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पीएफ में बैंक केवाईसी को लेकर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी किस तरीके से अपडेट होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, कितना समय लग जाता है बैंक केवाईसी अप्रूव होने में, किस किस से अप्रूव करानी पड़ती है, क्या गलती ना करें कि मेरी बैंक केवाईसी रिजेक्ट ना हो, आज की इस वीडियो में सारी बातें हम करने वाले हैं। आपको बताने वाला हूं कि बैंक केवाईसी को अपने पीएफ अकाउंट में किस तरीके से आप लगाओगे, क्या क्या चीज चेक करोगे पहले, उसके बाद क्या आपका प्रोसीजर रहने वाला है, कौन कौन इसको अप्रूव करेगा, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर पीएफ अकाउंट होल्डर है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो बैंक केवाईसी है ना, वो प्रोसीजर आपको सब पता ही है किस तरीके से लगाते हैं केवाईसी, लेकिन जो बातें बताने वाला हूं वो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बैंक केवाईसी का प्रोसीजर जान लीजिए, किस तरीके से आपको केवाईसी लगानी है, केवाईसी लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये बातें आपको प्रोसेस के बाद में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है ईपीएफओ के इस पोर्टल पर, पोर्टल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोर्टल में लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में डिटेल चेक कर रखी है, आपके पीएफ अकाउंट में जो डिटेल है, यानी जो आपका नाम है, जो आपका फादर नेम है, वही आपके बैंक अकाउंट में और वैसा ही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर उससे अलग कोई डिटेल मिसमैच हो रही है तो आप केवाईसी को ना लगाएं, क्योंकि केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो अपनी केवाईसी को डिटेल प्रॉपर चेक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करें। अपनी बैंक का बैंक में वही नाम होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वही आपका फादर नेम होना चाहिए जो आपके पीएफ और आधार कार्ड में है। चलिए, तो फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप केवाईसी लगाओगे, और उसके बाद आगे हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या गलती हम करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए अपना कैप्चा यूएन पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक करेंगे तो सेकंड लॉगिन फैक्टर का एक ऑथेंटिकेशन वाला पेज आएगा। इसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के साइन इन कर लेंगे। उसके बाद देखिए अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब केवाईसी लगानी, केवाईसी लगाने के मैनेज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इधर ऊपर, और उसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा तीसरे नंबर पर। केवाईसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं केवाईसी का। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो केवाईसी है पहले से लगी हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने लगा रखी थी, जबकि दोस्तों यहाँ पर हमारे बैंक में कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए हम केवाईसी चेंज करना चाहते हैं। तो केवाईसी चेंज करने के लिए हमें देखिए अपने बैंक केवाईसी यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे। अगर पैन कार्ड की लगानी तो पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे, नीचे खुल जाएंगे ऑप्शन। लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ बैंक की ही लगानी है तो हम सारे ऑप्शन डिसेबल करेंगे, सिर्फ बैंक का एनेबल रखेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पर कंफर्म अकाउंट नंबर और फिर आईएफएससी कोड डाल के यहां पर वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड हो जाएगा आपका आईएफएससी कोड, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको नीचे की तरफ यहां सारे आपकी ब्रांच की लोकेशन और आपका जो बैंक नेम मिल जाएगा, टिक करके यहां पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आधार कार्ड में आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, जो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा आपको केवाईसी वाले पेज पर, जहां पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा इधर आपकी जो केवाईसी है लग चुकी है, सबमिट हो चुकी है। हमारी ये पहली केवाईसी थी और अभी ये लगाई हमने, यहाँ पर दिख रहा है आपको डेट दिख रही होगी, यहाँ पर वेरीफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा है। यानी वेरीफिकेशन अंडर प्रोसेस का दोस्तों मतलब होता है कि अभी ये जो केवाईसी है अभी आपके बैंक के पास रुकी हुई है, बैंक अप्रूव करेगा उसके बाद आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी। अभी डिटेल में आपको ये बात समझनी पड़ेगी, चलिए मैं पहले डिटेल में आपको ये बात समझा देता हूँ ये होता किस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो केवाईसी है, आपकी जो लग चुकी है केवाईसी, यहाँ पर वेरीफिकेशन अंडर प्रोसेस हो रहा है। वेरीफिकेशन अंडर प्रोसेस का मतलब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस तब तक आएगा तब तक आपका इसको बैंक अप्रूव नहीं कर देता, यानी जब तक बैंक के पास ये पेंडिंग पड़ी है, बैंक के सर्वर के पास ये पेंडिंग पड़ी है, तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आएगा। जैसे ही इसको ऑटोमेटिक बैंक वेरीफाई कर देगा, ये फिर पेंडिंग एट एम्प्लॉयर पर चली जाएगी, यानी दोस्तों आपके एम्प्लॉयर पर चली जाएगी। अभी ये दोस्तों कितना समय लगेगा इसको बैंक वेरीफाई करेगा, इसमें 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर आपका बैंक इसको वेरीफाई कर देगा। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो टेक्निकल सर्वर यानी एरर की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप थोड़ा धैर्य रखें, ये आपका जो अप्रूव हो जाएगा। अब देखिए पेंडिंग एट एम्प्लॉयर जैसी पहुंचती है तो उसके बाद आपकी कंपनी इसको अप्रूव करती है। अगर कंपनी आपकी 203 दिन के भीतर भीतर अप्रूव नहीं कर रही है तो आप कंपनी को कॉल करके पर्सनली खुद जल्द ही बोल सकते हैं कि मैं पीएफ निकालना है, थोड़ा जल्दी अर्जेंट है, तो आप इसको अप्रूव कर दीजिए। अब आपको ये काम जरूर करना है केवाईसी लगाने के बाद। पहले केवाईसी लगाने के बाद आप 24 घंटे इंतजार करें, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से हटने के बाद पेंडिंग विद एम्प्लॉयर पर जब पहुंच जाए फिर आप अपने एम्प्लॉयर को कॉल करके बोलें कि हमारी केवाईसी को अप्रूव कर दीजिए, हमें पीएफ का पैसा निकालना है, हमें बहुत अर्जेंट है, तो आपकी केवाईसी को अप्रूव कर देंगे और फिर आपकी जो केवाईसी है बैंक केवाईसी है वो डीएससी अप्रूव हो जाएंगे, डिजिटल साइन के साथ अप्रूव कर देगा वो। अभी दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आप अपने पीएफ निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपने पीएफ में काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं देखिए आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप समझ गए और आपने कुछ सीख लिया उस वीडियो से यहां तक, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो कमेंट सकते हैं वीडियो कैसी थी। चलिए दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सुथरे रखें। बाय बाय, जय हिंद।